केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी मिली है। इसके बाद इस बिल को 29 नवंबर को शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले शुक्रवार को घोषणा की थी कि केंद्र इस महीने आखिर में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करेगा और इसके लिए आवश्यक विधेयक लेकर आएगा। जिस तरह कानून बनाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है, उसी तरह रद्द करने के लिए भी संसद की मंजूरी जरूरी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में अब पेश किया जाएगा। इस बिल पर बहस होगी और वोटिंग होगी। इसके बाद बिल वापस होते ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक नए ढांचे पर काम करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। केंद्र द्वारा 2020 में कानून पारित किए जाने के बाद से ही किसान सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। उनके विरोध प्रदर्शन को लगभग एक साल हो गया है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत का दौर कब से बंद था, जिसके बाद 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये साफ कर दिया कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. Namaskar, main hoon Aman Yatan Verma. Hello, I am Ritu Singh. Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi. Namaskar, main Manoj Tiwari. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India.